हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो हेनरी डिरेजियो के बारे में है, इनके बायोग्राफी और इनके वर्क के बारे में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हियर यू कैन सी द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग हेनरी डिरेजियो। डिरेजियो वाज बोर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1831। ही वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट एंड हिज फुल नेम वाज हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो। डिरेजियो इज रिमेम्बर्ड टूडे एज forgotten Anglo-Indian poet. He belongs to the first phase of Indian poetry. This phase in Indian poetry was the period of literary renaissance in India, and Toru Dutt also belongs to this phase. तो डिरेजियो को इंडियन पोइट्री में पहला पोइट माना जाता है और उनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो था। उनको आज forgotten Anglo-Indian poet के रूप में याद किया जाता है और वो इंडियन पोइट्री के फर्स्ट फेज से बिलोंग करते हैं। इंडियन पोइट्री के बहुत सारे फेज हुए, तो सबसे पहला फर्स्ट फेज था, फिर सेकेंड फेज, फिर प्री इंडिपेंडेंस और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट फेज में डिरेजियो और तोरुदत्त को रखा जाता है, वाइल सेकेंड फेज में सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो ये सब आते हैं। तो तोरुदत्त जो फर्स्ट फेज से बिलोंग्स करती थी और डिरेजियो भी फर्स्ट फेज से बिलोंग्स करते थे। डिरेजियो वाज एन इंडियन पोएट, हिज फादर वाज अ पुर्तगीज एंड हिज मदर वाज एन इंग्लिश। ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एट डेविड ड्रमोस एकेडमी। ये एंग्लो इंडियन पोएट कहे जाते हैं, हालांकि इंडियन पोएट्स एंग्लो इंडियन मीन्स कि मान लीजिए कि कोई यूरोपियन यहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है और उसके पूर्वज यूरोपियन किसी कंट्री से हो, स्पेशली इंग्लैंड से हो। तो डिरेजियो के फादर पुर्तगीज थे और इनकी माँ इंग्लिश थी, और इन्होंने जो अपना एजुकेशन प्राप्त किया वो डेविड ड्रमोस एकेडमी से प्राप्त किया। ही वर्कड एज ए अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट फर्म फॉर 2 ईयर्स। इन्होंने अकाउंटेंट का काम किया आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन। ही ऑल्सो स्टेड टाइम्स एट भागलपुर बिहार with his uncle. His experience at Bhagalpur can be seen in his famous work, The Fakir of Jahangira, which published in 1828. जो भागलपुर में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, तो उस दरमियान जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उनको उन्होंने द फकीर ऑफ जहांगीरा में एक्सप्लेन किया, विच इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द रेस्क्यू ऑफ ए सती, जो सती पता पे बेस्ड थी। ये जो वर्क है डिरेजियो का द फकीर ऑफ जहांगीरा, ये सती प्रथा पे बेस्ड है। एट द एज ऑफ 16 डिरेजियो कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन गैजेट। इंडियन गैजेट एक मैगजीन है, तो 16 वर्ष की आयु में इन्होंने इंडियन गैजेट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल के हुए, हिज फर्स्ट कलेक्शन पोएम वॉज पब्लिश इन 1827। तो उनका पहला जो वर्क है वो पोएम्स, इसमें बहुत सारे पोएम्स थे, उनका कलेक्शन पब्लिश हुआ 1827 में। एंड दिस वर्क ऑफ डिरेजियो मेड हिम फेमस इन द लिटरेरी सर्किल ऑफ कलकत्ता। ही बिकेम ए टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता। वो टीचर बने हिंदू कॉलेज में। टुडे इट इज नोन एज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। जो हिंदू कॉलेज है वो आज अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। वाइल टीचिंग एट हिंदू कॉलेज डिरेजियो फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन फाउंड किया और विच वॉज प्रोबेबली इंडियाज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल क्लब। और ये जो एकेडमिक एसोसिएशन है ये इंडिया का पहला इंटेलेक्चुअल क्लब माना जाता है, जिस टाइम में जैसे कि एरिस्टोटल का लीसियम था, जहाँ आप फ्रीली अपने आइडियाज और जो भी इशूज है उसको आप फ्रीली डिस्कस कर सकते थे। तो सिमिलरली वैसे ही डिरेजियो ने अपना एक एकेडमिक एसोसिएशन बनाया। बट ही वॉज फोर्स टू रिजाइन हिज पोस्ट फॉर अपोजिंग एंड एक्सपोजिंग द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ। लेकिन उनको रिजाइन देना पड़ा क्योंकि वो हिंदू और जो भी ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ था, जैसे चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ये सब जो भी हिंदू का जो ऑर्थोडॉक्सियल बिलीफ था, इसके खिलाफ ये जब आवाज़ उठाए तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो ऑर्थोडॉक्स था उस लोगों को लगा कि ये हम हिंदू रिलीजन के लिए खतरा है डिरेजियो, इस कारण से उनको फोर्सली रिजाइन करा दिया गया। आफ्टर लिविंग हिंदू कॉलेज डिरेजियो ज्वाइन जर्नलिज्म। और जब हिंदू कॉलेज छोड़े तो उन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया
and he founded the East Indian, the first newspaper devoted to the cause of Anglo-Indian community. ये पहला न्यूज़पेपर था द ईस्ट इंडियन जो एंग्लो और इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करता था. वेर इन ही आर्ग्यूड दैट एंग्लो इंडियन शुड मिक्स्ड फ्रीली विद इंडियंस, जो भी एंग्लो विच मीन्स कि कोई व्यक्ति जो यहाँ रहता है लेकिन उसके पूर्वज बाहर यूरोपियन कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया. डेरेजियो डाइड ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 22. ये लगभग 22 साल की आयु में इनका डेथ होता है ऑन 26 दिसंबर 1831. डेरेजियो वर्क्स पोएम्स जो पहला वर्क था उनका वो 1827 में पब्लिश हुआ और ये था कलेक्शन ऑफ पोएम. इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर जो पोएम थे वो अनफिनिश्ड, ये पूरा नहीं था इसमें. और ये भी बहुत सारा क्रिटिक बताते हैं कि ये इमैच्योर वर्क था डेरेजियो का. जो दूसरा इनका जो वर्क आया द फकीर ऑफ जहांगीरा, ए मेट्रिकल टेल एंड अदर पोएम, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ. तो इसमें द फकीर ऑफ जहांगीरा इज ए लॉन्ग पोएम, एक लंबा पोएम है अबाउट नलिनी. नलिनी एक कैरेक्टर है, इसकी प्रोटैगोनिस्ट है इस पोएम में, और ए हाई कास्ट हिंदू विडो है हु इज अबाउट टू बी बर्नड ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड. तो जैसे कि एट दैट टाइम प्रॉब्लम्स ये था कि सती प्रथा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ ए हस्बैंड उसकी वाइफ को भी चिता पे बैठा दिया जाता. तो इसके खिलाफ ये है. तो नलिनी का स्टोरी है, वो एक हिंदू विडो है और वो ऐसा ही किया जा रहा होता है. उसी समय एक रॉबर उसको बचाता है, टू बिकमिंग फोर्स सती, उसको बचाता है जलने से. टू इंडिया माई नेटिवलैंड, ये पोएम है. दिस इज अ सोनेट एंड ए पार्ट ऑफ हिज बुक द फकीर ऑफ जहांगीरा, बेस्ड ऑन इंडियन नेशनलिज्म. इट शोज पैट्रियटिज्म एंड लव ऑफ फ्रीडम. ये जो पोएम है ये पैट्रियटिज्म और लव ऑफ फ्रीडम को बताता है, इंडियन नेशनलिज्म को बताता है. और ये उस टाइम में लिखा गया था जब इंडिया वॉज रूलिंग अंडर ब्रिटिश एम्पायर. द हार्प ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो ए सोनेट एंड अबाउट टू रिगेन इंडिया पास्ट ग्लोरी. ये भी एक सोनेट है और इसमें इंडिया के पास्ट ग्लोरी को कैसे रिगेन करना है, फिर से कैसे रिगेन करना है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है. नाउ दिस टाइम टू कंक्लूड द वीडियो. डेरेजियो थ्रू आउट हिज कैरियर डेवलप्ड एंड प्रोमोटेड लिबरल आइडियाज. इन्होंने पूरे जिंदगी जो भी उनका कैरियर था उसके दरमियान उन्होंने लिबरल आइडियाज को सर्कुलेट किया. He was also against the racial and caste separation in Indian society. जो भी caste system था उनको separation का इन्होंने बात किया. And Derrigo works are closer to Indian and Indians. जो भी इनका work है वो Indian और India के काफ़ी close है. And is also considered as one of the architect of Young Bengal. और ये यंग ऐसा माना जाता है कि ये यंग बंगाल के architect है. So thank you for being here. In my next video I will come with next topic. So thank you very much for being here.